हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन लगा कि इसे भी साझा कर देना चाहिए क्योंकि छोटा है लेकिन काम का है। तो आज हम इस एक छोटा सा फार्मूला है और इसके थ्रू हम ये निकालना जानेंगे कि एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगी, ये हम कैसे निकालेंगे बहुत ईजिली। तो इसमें दोनों पॉइंट्स पर बात होगी, थ्योरिकली भी और प्रैक्टिकली भी, कि थ्योरी कितना आएंगे और प्रैक्टिकली कितनी आती हैं, ये दोनों इसमें बताए जाएंगे और कैसे फार्मूला इसमें अप्लाई करना है वो भी बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्सें आएंगी, उनके नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 1/(, नीचे ब्रैकेट के अंदर में ब्रिक का जो साइज है, तीनों साइज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रिड्थ और उसकी जो थिकनेस है, यानी कि जो हम हाइट कह सकते हैं, तो वो तीनों आइटम रख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो आप ये कर देंगे 1/(, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे 0.23 इंटू 0.115 इंटू 0.075, ये इसके तीनों साइज हो गए ब्रिक के, ब्रैकेट क्लोज। तो जब आप इसको करेंगे, एंटर करेंगे या कैलकुलेटर में करेंगे, तो आपके पास 504 ईंटें आ जाएंगी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स 504। ये तो होगी थ्योरेटिकली। और जब हम प्रैक्टिकली चलते हैं एक क्यूबिक मीटर में, तो वहाँ पर हमारी जो ब्रिक्स हैं वो आती हैं 494, ये इंक्लूडिंग वेस्टेज लेके चलते हैं उसके अंदर, तो ये टोटल हैं। ये एक हल्का सा फ़र्क है कि विदाउट मोटार और विद मोटार, जो CPWD AR के अंदर में हम कंसिडर करते हैं वो 494 उसके अंदर भी कंसिडर है। तो हम ये लेके चलते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सिंपल फार्मूला है 1/((, 0.23 इंटू 0.115 इंटू 0.075, ब्रैकेट क्लोज, आंसर निकल गया 504। ये हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकली हो गया 494 ब्रिक्स। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा हो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और आप में से जिन्होंने भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।